हेलो एवरीवन, पायल स्पेशल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बर्मा मलाई टिंडा। ये मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 250 ग्राम टिंडे। आपको मीडियम साइज़ के टिंडे लेने हैं और अब इसे इस चॉप कर लेंगे। हमें इसके छिलके नहीं निकालने, बस हम इस तरीके से हल्का हल्का स्क्रेप कर लेंगे। और अब इसे 8 हिस्सों में कट कर लेंगे। ऐसा करने से जो मसाला है वो इसमें अच्छी तरीके से चला जाएगा। मैंने सारे टिंडों को इसी तरीके से कट करके ले लिया है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी। घी से जो है सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे टिंडे। टिंडे को करीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। हमें टिंडे को बीच बीच में हिलाते रहना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ग्रेवी मसाला, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, 1/4 स्पून गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक। सारे मसालों को हम सब्जी में ऐड कर लेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध। और 1/2 कप पानी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी। जी हाँ, इसमें चीनी आप जरूर ऐड कीजिएगा, बिकॉज ये सब्जी थोड़ी तीखी मीठी अच्छी लगती है। ये को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चिंग की चटनी। इस चटनी की रेसिपी मेरी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। चटनी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 स्पून चिली पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टिंडे को ढक करके हम 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे, लेकिन इसे बीच बीच में चेक जरूर कीजिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे टिंडे अच्छे से पक चुके हैं और मसाला बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो चुका है। टिंडे दूध और पानी पूरा अच्छे से सोख कर लिया, इसलिए मैं इसमें 1/2 कप दूध और ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं ऐड कर लूंगी 2 चम्मच घर की दूध से निकली हुई फ्रेश मलाई और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी है जो बहुत ही अच्छी दिखेगी। हमारे टिंडे बनकर के तैयार है। इसे गार्निश कर लीजिए थोड़े से धनिया के साथ और ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू, बाय बाय।